मिडिल ईस्ट के एक छोटे से देश कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा का फरमान सुनाकर सबको दंग कर दिया है। अपने रुख से वो टस से मस होता या लचीला होता नहीं दिख रहा। इस बात ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बात देश के नेवी के पूर्व डेकोरेटेड ऑफिसर से जुड़ी हुई है और उससे भी बड़ी बात, उन पर तोहमत जासूसी का लगाया गया है। ऐसे में उनको हर हाल में बचाना भारत के सामने एक बड़ी चुनौती जैसा बन गया है। इसके अलावा इस मुद्दे ने भारत की कूटनीति की भी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। ऐसे में भारत के सामने अपनी कूटनीतिक दक्षता और कूटनीतिक कौशल को भी साबित करने का सवाल है। ऐसे में भारत सरकार अपने काबिल और विशेषज्ञ अफसरों से विचार विमर्श कर रही है। इसके बाद कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बचाने का जिम्मा सौंपा गया है एक ऐसे ही विशेषज्ञ अफसर पर, जिनका नाम है दीपक मित्तल। दीपक मित्तल प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में भी विशेष सम्मान प्राप्त अधिकारी हैं। दीपक मित्तल एक भारतीय डिप्लोमेट और IFS अधिकारी हैं। ये कई अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी समझ और अपनी काबिलियत का परिचय देकर खुद को साबित कर चुके हैं। ऐसे में ये किसी हीरो से कम नहीं है। दीपक मित्तल वही अधिकारी हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट लिया था। पाकिस्तान ने भी भारतीय कुलभूषण जाधव पर जासूस होने का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन दीपक मित्तल की कोशिशों के चलते पाकिस्तान जाधव को फांसी नहीं दे सका। दीपक मित्तल तालिबान के अधिकारियों के साथ भी बैठकें कर चुके हैं। अब दीपक मित्तल के कंधों पर ही कतर में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाए 8 पूर्व अधिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी डाली गई है। इस मामले को उन्हें बेहद सावधानी से सुलझाना होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कतर के साथ भारत के मधुर संबंधों में कोई बिगाड़ ना आ जाए। दीपक मित्तल के अब तक के करियर की बात करें तो ये 1998 बैच के IFS अधिकारी हैं। ये 2 साल तक कतर में भारत के राजदूत के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा भी ये कई महत्वपूर्ण पदों और जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। ये अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने और जटिल विषयों को भी सुलझाने में दक्षता रखते हैं। ऐसे में कहा जाने लगा है कि 8 पूर्व अफसरों को बचाने का जिम्मा दीपक मित्तल ने संभाल लिया है, तो उनका बचना निश्चित ही है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को लेकर कतर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है, उन्हें उसने पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया था। ये सभी पूर्व अधिकारी नौसेना से सेवामुक्त होने के बाद कतर में ही रह रहे थे और वहां की एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। देहरा ग्लोबल कंपनी में कार्यरत ये सभी 8 लोग यहां पिछले कई साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन पर आरोप लगाया गया था कि ये कतर में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।